विद्या बताते हैं आनंद के घर में भी एक बेटी का जन्म होता है। वो शादी के लायक हीर मनसा सेठ थे कि जन किन किन काटे था क्या जब तक दौलत के नशे में अगर हम बुला के बेइज्जती करी थी और आज सब जम लुटा के मोटा बन लिया। आज उसके द्वारा कुछ नहीं सब हाथ में देखूंगा। क्या मत 12 करोड़ लाए थे ये बात में देखूंगा अकेला होगा। सेठानी को जो शादी का दिन नजदीक आया और नंदी की बेटी का सेठानी को कहा कि बड़ी आने का बात नहीं होता हो। सेठानी जाती है कि वार बहु हो त्यार बहु सही बार बहु तुम बात नहीं होता ही। एक दमासन से उठती गिरी माँ अरे क्या बात करती हो मैं किसका जाता हूं मेरा नहीं देशान घटा घर बार लुटा मेरा बापू बनिया फकीर रहना चुना गढ़ मसीर। अरे मैं किसका जा रही सो सो बार मने समझाई थारी समझ में आई ना कि रस्ते की और रिश्तेदारी साधु का सुनाई ना मोह का त्याग करे पाछे बंदे का लाग बताई ना और कौन भरेगा बात मेरे को माँ का जाया भाई ना ना आस कती होया नास कती मने कौन उड़ावे चीर रहा ना जूनागढ़ में। अरे मैं कड़े जांगी है किस्मत के हर फटल वो पहले मजान नहीं होती मैं होते मर जाती तो या खेचा तैन नहीं होती पशु बराबर मनुष्य कहे से जिसका कारण नहीं होती सब ढाल समझाई पर अड़ी खड़ी सेठानी के देखे तेरा फर्ज है क्या कहा आज तेरी बेटी की शादी का दिन नजदीक और ब्याह में बाती ना आवे ईसा के कदे तो ना सुने नुलेरी आवगा कौन है के तेरा बाप उतिया दस है तुम बात की बेटी ले कजा निवलीरी वो दम मरे बराबर मान लिया चंद्रा शर कट जा मैं तो नगड़ में नहीं जाएंगे कदे कदे तो मौज करें थे थी नगरी में सरदारी 11 करोड़ लुटा कमाया मेरा बाबूल बना भिखारी मैं तो नगड़ में पैर धरू ना आग मर्जी थारी मन बाप समझ लिया मरे बराबर के संतन प्रचारी कर घाट नहीं रंग ठाट नहीं मेरी कौन बनावे धीर रहना जो नगड़ में सी अर सेठानी आके निवली सेठ जी बोड़ी आदा नाटकी निवला रेश के नाटक काम चल रहे रमने एक के दिन गिन गिन के बतास है आज मेरा मौका आया या नाटक खड़ी होगी इसके नाटक काम चलेगा बेरा तक करया जागा। एक नायकी को बुला लिया बात की चिट्ठी लिखाई करोड़ों की धनमाया उस चिट्ठी में लिखी जाती और नायके निवला नायके या चिट्ठी लेके जानी निवला शेठ जी खड़े जा निवला लेके चिट्ठी अर्शिदा चूनागढ़ जाके नरसी शेठ के चिट्ठी दे दिए बात की चिट्ठी कि नाई के न्यू सुन रखा था कदे छोरी ब्याह से 12 करोड़ माल आई थी सारी नगरी दान मान मिला था अरीब का तो जब तक बरात भर के गई थी का तू एक लाए जागा झोला ठोक के ले गई और ले का चिट्ठी पहुंचा बड़े बड़े टक्कर मारे भाई रे यो एड्रेस लिख रखे हमने नरसी शेठ का जाना तुम सा सुनो वो नहीं कदे भाई अड़ा शेखा मत कोई नरसी नहीं वो चिट्ठी उल्टी खोज ले पागल तन मेरा भी क्या है शेख है ना गच असली बिछाड़ा फिर दूसरे दूसरे भाई रे यो पता है नरसी शेठ के जाना बुलाड़ा तू ना गड़ मैं बोले हां बुलाड़ा तो कोई नरसी शेठ नहीं भाई शेठा जिस तो देखा हुआ है नाट जा गोटे टूट दिया हो नाई के भी बात किया था तू गलत सका पा गया। एक बुजुर्ग बैठा था निवला रे परदेसी दिखते हो निवला जी सुन मैं तो सिरसागढ़ से आया और देखे मैं नरसी शेठ के जाना से जिस तब तू वो नाच जा कोई नहीं पता बताता और उसकी छोरी ना रखी सिरसागढ़ वो बुजुर्ग था निवला ओए हो उस नरसी का चक्कर है। अरे भला ये शेठा ही गाड़ में कड़ मार्केट में पाओगा वो तो नहीं ये बात निवला वो ना रह रहा वो टोड़ा हाथोड़ा जोड़ पसलिया था पूरा पाप्या में पा होगा बैठा इवन नाई का पे चल दिया यो राशा के हब्बे ज्यादा शेठ का पा होगा पाप्या मरोड़ा के लेकर चिट्ठी सच 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 जोड़ पगा मोटे में पास में खड़ताल अख्तारे को मारे चलम पूरा खड़ा निवले पाप्यो आदेश है हमले आदेश कौन है निवला जी नाई का कड़ेता निवला जी शरशेगढ़ ता हम तो नरसी ते मिलना है और नरसी ने छोड़ डकतारा बाजरा छोरी के ताल है बाज का कोहली भरी
बेटा जी चिट्ठी ले आया हूँ, चिट्ठी लेके छोड़े में गेली। बोला छोड़ चिट्ठी ने नि बता छोरी ठीक से? नि बोला ठीक ठाक से। कुण बा ठीक से? नि बोला मोजोर ये सब ठीक ठाक से। या चिट्ठी बोला चिट्ठी ने फिर देखेंगे। नि बता तू चल का से पैदल पैदल के चलने दे? नि बोला के मैं खाया से ना? बोला हाँ घने होटल खोल रखे ना परम ठे उतरे धेरा में कौन खवाओ दा? नि बोला बैठ, बोला तेरे भोजन की व्यवस्था होगी। अर बठा गए अर नरसिंह अंडे बथुआ तोड़ता कृष्ण भगवान की नजर पड़ती। सोने का थाल चांदी कटोरिया में 36 प्रकार का भोजन लेके अर सर का मंडा सा मार रहा अर आगे निबला नाई के रोटी खा गा के निबला चला था तेरे के समंडा सा मार गए कोर गा था डेढ़ घंटा तो हो गया वो ता नहीं लिया। खजाओ सो खवाओ सो निबला खजान का रोड़ा गुना खाना तैयार वो देख के अर नाई का था टूट के पड़िया अर थोड़ी वार में 15-20 मिनट में फफेड़ दी सारी कटोरी अर फिर खा कर ले कट कर कसन सरकार जी ने बोला भाई तू ठीक लग रहा ले जा तेरे कसना ने। निबला नाई के ये साधारण बर्तन नहीं और निबला थाल तो सोने का है और ये कटोरी चांदी की है और निबला ये मेरे कोने भी है तेरे रहे। नाई का एक बहु कसना का देखा एक बहु कृष्ण भगवान का निबला मेरे रहे निबला तेरे रहे। उन्होंने सोची किसे दान करनी है कि मोटे में बैठे करड़ी घूंट लाग की दिखे दिमाग हो लिया खराब इसका। और जब बाबा आ गया तो सोने चांदी का कहना रखेगा तू लकड़ लेना पतली गली दे और काख में थाल रात में बेलवा लागर नहीं गा वो दर वो दा। और नरसी आया आके देखा नायिका नहीं बबला रखड़ेगा बबला जा लिया अड़ देनी बैठ गया आंखों में आंसू आती है परमात्मा उड़ा जाकर के बताओगा तेरे बाबू दो रगा था खाने में भी नहीं मिला क्या। फिर सोचे चिट्ठी ने तो देख चिट्ठी खोली करोड़ों की दिन माया लिख रखी बात की चिट्ठी भाइया दो रगा ये नरसी बहुत दिन माया निबला भाई जरूरी काम आया के सोरी के तो बात की चिट्ठी आ रही जून से वो है धक्के दे बाबू ने बराबर की 11 करोड़ माया दी थी सारी लुटा दीजिए भाई याद ना है खर्च के टाइम पे भाई याद आए तीनों अन धक्के दे दिए। एक उसका बचपन का यार था राम सिंह इतने टोट्यम राम सिंह छड़ा था इतने टोट्यम नरसी था उड़ा चला गया जाते खड़ा होया निवला ये नरसी बहुत दिन मा निवला भाई जरूरी काम आया के निवला भाई छोरी के तो बात की चिट्ठी आ रही। राम सिंह निवला फिर मेरे तो क्या आसरा रहा मैं थान पढ़ाऊंगा तेरे निवला भाई थान पढ़ाने का रोला ना बड़ा दर गाड़ी दे दे टूटी फूटी गाड़ी दी वह जोड़ के देखना टाटा सफारी बलेरो इंडिका टस्टर फस्टर बतेरी नई गाड़ी आ रही नौजवान साथी सबका स्पेयर पार्ट याद पाऊंगा। एक जो अपनी असली देहाती गाड़ी हुआ करती उसका स्पेयर पार्ट पर नहीं देखा किसी गाड़ी जोड़ के चाले अंदर से क्या देखा ओ
शमशाना से हमारे साथी भाई 100 रुपए देते हैं, बार बार धन्यवाद है। कपूरे नीलोठी गांव से हैं, 100 रुपए पहले, 100 रुपए और, 200 रुपए देते हैं, बार बार धन्यवाद। आदरणीय हमारे बुजुर्ग हैं, 100 रुपए से आशीर्वाद बच्चों को देते हैं, बार बार धन्यवाद। जो आज का कार्यक्रम आपके बीच में रिकॉर्ड कर रहे हैं, स्टूडियो स्टार कैसेट कंपनी पानीपत से आपके बीच में है, जो संस्कृति को आपके बीच में संजोए हुए हैं हमारे छोटे भाई अनिल शर्मा जी, 100 रुपए से पार्टी का मान सम्मान और सौजाई करते हैं, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। Oh!
ਟਿੱਪਣੀ ਆ ਰਹੀ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਵੇ ਪਾਣੀ ਪਾਤ ਕੀ ਟੋਕਰੀ ਛੋੜਿਆਈ ਰਾਜ ਚੁਣ ਸਾ ਦੇਖ ਲੈ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾਂਗਾ ਜੀ ਲਕੜੇ ਕਿਉਂ ਗਾਡੀ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਬੈਠੇ ਕੋ 15-20 ਅਰ ਸਾਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੋਣੀ ਮਾਰਾ ਐਨੂੰ ਕੋ ਦੀ ਸਾਰੀ ਨਗਰੀ ਦਾ ਦਾਨ ਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਗੇ ਯਾ ਜਮਾਤ ਦਾ ਬੈਠੀ ਆ ਤਾਂ ਨਗਰੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਡਗਾਣੀ ਪੜੇਗੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾਨ ਮਾਨ ਕਰੇ ਦੇ ਕੋ ਪੱਟਾ ਛਾਣਾ ਦਾਨ ਕਰ ਥਾ ਕੋਨੂ ਕਰ ਅੰਦਰ ਸੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਰਕਮ ਨਾ ਥਾ ਤੁਮ ਕਟਣਾ ਧਾੜੇ ਅਰ ਕੋਨੂ ਕਹ ਦੇ ਮੰਗੂ ਮਲਗਾ ਸੋ ਰਾਜ ਹੈ ਇਸਕਾ ਕਾਮ ਦੇਖਿਓ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇਖਿਓ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣੀ ਸ਼ਰਸ਼ੇ ਕੋਲ ਪੱਟੇ ਸ਼ਾਹ।